हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर 7। तो जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे रूम्स वगैरह कर रहे थे, क्योंकि अपने को जो है ना काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टरेंट चाहिए। बट अपन लोगों के पास अभी डीप रिफाइनर वगैरह है, बट अपन लोगों ने अभी तक टाइटेनियम वगैरह फॉर्म नहीं किया है। तो आज जो है ना गाइस, अपन लोगों को सबसे पहले तो एक दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टरेंट और सर्च आउट करना है, एंड उसके बाद हमें जो है ना यहाँ पे टाइटेनियम फार्म करना है। बट आज जो है ना अपने साथ एक काफ़ी गलत सीन होने वाला है। वो सीन क्या है, तो यहाँ पे मैं टाइटेनियम वगैरह फार्म कर रहा था, तो अपने कुछ सब्सक्राइबर भाई ने अपना बेस क्या ही गंदी तरीके से रेड किया। लगता था वो मजे कर रहे थे, एंड उन्होंने जो है ना गाइस लिटरली अपना कैबिनेट नहीं फोड़ा, बाकी जो पूरा का पूरा बेस था उसको रेड कर दिया। तो आगे जो है ना गाइस काफी गजब गजब सीन होने वाले, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बट यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है, एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 300। आई होप गाइस आप लोग 300 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। सो पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने लास्ट में बनाई थी गाड़ी, क्योंकि अभी अपना प्लान था कि हम लोग जो है ना रूम्स करेंगे कंटिन्यूस, क्योंकि जब तक अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग शांति से बैठेंगे नहीं। ऑलरेडी अपने पास एक तो है, अरे दो लॉन्चर्स है मेरे पास। अगर एक दो लॉन्चर्स और मिल गए तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टैलेंट का रेसिपी लर्न करके फिर वो लोग हम लोग बना लेंगे। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने बायो किया था। बायो करने के बाद मैं यहाँ पे बॉम्ब सेल्टर में आया, एंड मैंने हेल्थ वगैरह करा। मुझे लग रहा था कि डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा जो है ना नीचे कैंप कर रहा है, तो मैंने उसीलिए जो है ना अपना हेल्थ वगैरह फुल करा। एंड जैसे हम लोग यहाँ पे आए, एंड मैंने देखा ये एरिया जो है ना ऑलरेडी पूरे का पूरा लूटेड है, तो मैं अंदर गया। एंड यहाँ पे मैंने कुछ सामान वगैरह ड्रॉप हुआ देखा, जैसे कि एमोज वगैरह है, तो मुझे लगा कि बंदा जो है ना यहीं पे है। तो यहाँ पे देखो, मैं अपने को कुछ सामान वगैरह दिखा था। इसके बाद मैंने रूम चेकआउट करा, लगता है किसी ने वायर वगैरह डाला है। एंड अभी वायर वगैरह किसने यहाँ पे मेरे को बंदा दिखा, तो यहाँ पे मैंने इसको मारा। एंड इस बंदे के पास भी आई थिंक SMG वगैरह था, तो इसीलिए जो है ना उस बंदे का मेरे को बिल्कुल भी डैमेज वगैरह नहीं आया। तो हम लोगों ने इसका सामान वगैरह उठाया, एंड मैंने कहा यार बंदा वायर लगा रहा है। एक बार मैं देख के आता हूँ ब्लू रूम पे, क्या पता पर्पल कार्ड वगैरह होगा, बंदा जो है ना इसीलिए यहाँ पे आया। बट मुझे यहाँ पे कोई भी पर्पल कार्ड वगैरह नहीं दिखा, तो मैंने डिसाइड करा चलो अभी जो है ना हम लोग यहाँ पर से निकलते हैं फटाफट से हार्बर के साइड में, एंड देखते हैं वहाँ पे अपने को पर्पल रूम मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद जो है ना हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट। तो मैं फटाफट से अपने गाड़ी में पहुँचा, मैंने फटाक से जो है ना गाड़ी में फ्यूल डाला, एंड उसके बाद जो है ना हम लोग निकले डायरेक्ट हार्बर। एंड हार्बर में गया तो वहाँ पे तो अपने को कुछ खास मिला नहीं, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट पहुंचा यहाँ पे एयरपोर्ट में। एंड एयरपोर्ट पे पहुंचते ही मैंने सबसे पहले डिसाइड करा कि मैं पर्पल रूम चेकआउट करूंगा। तो जैसे यार यहाँ पे से मैं पर्पल रूम वगैरह चेकआउट कर रहा था, तो मेरे को यहाँ पे एक बंदे का नाम रिपोर्ट में शो हुआ, तो मैंने कहा यार सबसे पहले मैं बंदा ढूंढता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे से गया, वो बंदा दिखा मेरे को M762 है, तो उसने जो है ना गाइस अपनी गाड़ी में काफ़ी गंदा फायर किया। तो मैंने कहा थोड़ा सा हम लोग आगे निकलते हैं, एंड उसके बाद इसको मारने का ट्राई करेंगे। एंड इसने जो है ना जितनी भी बुलेट्स इसके गन में थी वो सारा का सारा गाड़ी के ऊपर डाल दिया था, एंड उसके बाद जो है ना ये बुलेट्स वगैरह रिलोड करने लगा। तो मैं उतरा फटाफट से, मैंने उसको मारा। एंड अभी जो है ना सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे पर्पल रूम चेकआउट करते हैं, अगर एडवांस एमो चेस्ट होगा तो उसको हम लोग कर लेंगे। तो चलो यार फटाफट से चलता हूँ एंड वो चेकआउट करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने पर्पल रूम चेकआउट करा, एंड पर्पल रूम पे एमो चेस्ट तो है बट ADV नहीं है। तो मैंने कहा बिना ADV के तो मैं रूम करूँगा नहीं, क्योंकि अपने को पर्पल कार्ड क्यों वेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं हार्बर के साइड में आया, मैंने कहा यहाँ पे देख लेते हैं क्या पता यहाँ पर पर्पल कार्ड आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा जो कि यहाँ पे रूम्स वगैरह कर रहे थे, तो एक बंदे को मारा। जैसे मैं यहाँ पे सामान वगैरह लूट रहा था, तो इसका टीममेट जो कि फार्मास चला रहे, ऑलरेडी गाइज इन बंदों के पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, बट ये बंदे जो है ना फार्मास वगैरह लेके आ रहे हैं पता नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा दूर से मेरे को यहाँ पे फायर का शॉट्स आए। तो मैं यहाँ पे पत्थर के पीछे कवर में गया, एंड लगता है वो बंदा जो है ना गाड़ी उठा के भग चुका है। तो मैंने कहा यार अभी अपनी हेल्थ थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा गाड़ी में बैठते हैं, हेल्थ वगैरह फुल करने के बाद जो है ना अपन लोग आगे निकलेंगे। तो मैंने फटाक से यार सिरिंज वगैरह लगाई, इसके बाद मैंने डिसाइड करा चलो यार उस बंदे को पकड़ते हैं। तो वैसे मैं इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहा था जो कि गाड़ी लेके भागा, बट वो बंदे तो मेरे को दिखा नहीं। फिर उसके बाद मैं घूमते फूटते आए यहाँ पे बॉम्ब सेल्टर के पास में, एंड यहाँ पे जो है ना मेरे को फुटस्टेप्स आए, तो मुझे लगा यार बंदे कोई ना कोई बॉम्ब सेल्टर में रूम्स वगैरह करने के लिए।
तो मैंने कहा यहाँ पे नहीं, अपन लोग जो है ना यहाँ पे से जाने का नौटंकी करते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आया एंड यहाँ पे जो है ना मैं ड्राइविंग सीट में बैठ चुका था एंड रिपोर्ट में मैंने नाम देखा, दो बंदे का नाम आ रहा है। तो अभी देखते हैं, अगर वो बंदे बाहर निकलेंगे तो मारने का ट्राई करूंगा। तो जैसे गैस यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट वगैरह कर रहा था, मुझे एक बंदा दिखा जो कि वहाँ पे से देख रहा है। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं फटाफट से एंड उसको तो बजा के आना ही बनता है। तो उसके बाद मैं फटाफट से ड्राइविंग सीट में बैठा एंड फाइनली गैस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। एंड देखो बंदे अभी यहाँ पे थे, ये दो बंदे हैं भाई, क्या करें मारे। तो चलो यार चलते हैं। एंड जिस बंदे के पास AR थी ना, आई थिंक जिस बंदे के पास उजी वगैरह थी, तो वो बंदा जो है ना उसने मेरे ऊपर फायर ही नहीं किया, बट दूसरे बंदे ने मेरे ऊपर फायर किया था एंड उसकी जो बुलेट्स थी वो मेरे में कनेक्ट नहीं हुई। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों को मारा। उसके बाद मैंने डिसाइड करा चलो यार अभी अपन लोग चलते हैं नीचे, देख के आते हैं रूम्स में लूट है या नहीं है। वैसे इनके पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं है लगता है यार, रूम वगैरह तो ये 101% लूट लिए होंगे। फिर भी अपन को एक बार ही जाकर चेकआउट तो करना बनता ही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा तेल वगैरह लगा के आए, तो एटलीस्ट चेकआउट करना तो बनता ही है ना। तो भाई ये रूम तो ये पूरा का पूरा लूट लिए थे। तो चलो यार अभी जो है ना हम लोग फटाफट से चलते हैं एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा बैंडिट कैंप में चेकआउट करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने बैंडिट कैंप लूटा नहीं है। तो मे बी अपने को बैंडिट कैंप पे लूट वगैरह मिल जाए, लेट्स सी, देखते हैं गाइस अपने को वहाँ पे क्या मिलता है। फिर हम लोग फटाफट से पहुँचे बैंडिट कैंप में एंड लूट तो है, बट सबसे पहले बजूका मैन को मारना पड़ेगा। अगर इसको नहीं मारा ना ये काफ़ी बुरी हालत कर देता है। एक दो बार तो गाइस मैं डायरेक्ट जो है ना बजूका मैन से नॉक एंड पूरा का पूरा फिनिश हुआ एंड तब से मैंने डिसाइड करा वो गलती अपने को नहीं करना है। तो रूम ओपन करते हैं एंड देखते हैं गाइस यहाँ पे अपने को क्या मिलता है। तो जैसे गाइस यहाँ पे मैंने एडवांस टूल बॉक्स फोड़ा तो यहाँ पे मेरे को जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टरेंट मिला। तो अभी जो है ना गाइस अपने को इस सर्वर में मिल चुका है तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टरेंट। यस गाइस मजा आएगा, तीसरा टरेंट मिल गया है। अगर एक दो टरेंट और मिल जाए तो भाई उसके बाद अपना बेस कोई नहीं रेड मार सकता, ग्लिच करके लगाएंगे अपन लोग एंड जिसको भी रेड मारना होगा पहले सबसे पहले वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट तोड़ेगा। तो उसके बाद मैं फटाफट से गाड़ी में बैठा एंड मैंने डिसाइड करा, एयरपोर्ट में तो अपने को मिला नहीं, बायो में अपने को मिला, न्यूक्लियर में अपने को मिला एंड अभी जो है ना अपन लोग चलते हैं सीधा मिलिट्री। बट मैंने यहाँ पे जो है ना बायो देखने आया था तो मेरे को यहाँ पे एवेंजर दिखा था, मैंने डिसाइड करा चलो यार अभी हम लोग आते हैं बेस जाके एवेंजर म्यूटेंट को मारने के लिए। तो मैं यहाँ पे पहुँचा एंड मैंने देखा यार यहाँ पे म्यूटेंट वगैरह तो नहीं दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि म्यूटेंट जो है ना कोई बंदा मार रहा है। तो मैं गाड़ी लेके यहाँ पे आया एंड फाइनली मेरे को वो बंदा दिखा जो म्यूटेंट को मार रहा था। मैंने कहा रुक जा भाई, तो मैं यहाँ पे निकला एंड गलती से गाइस रिपेयर का ऑप्शन आया, ठीक वो बंदा जो है ना AR वगैरह लेके नहीं आया था। अगर AR रहता तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे मर जाता, बट जो होता है बढ़िया होता है। एंड अभी अपने पास है, बंदे ने इसकी हेल्थ लगभग 50% कर दिया था, तो फटाफट से मैं इसको AR से मारने का ट्राई करता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं गाइस कितने देर में ये AR से मरता है। तो उससे पहले जो है ना मैं अपनी हेल्थ वगैरह फुल करता हूँ, कोई बंदा पीछे से आया एंड मारते हुए चले गया। लेट्स गो, गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ। वैसे भी 50% हेल्थ है तो काफी जल्दी मर जाएगा ये भाई। ये रिपेयर का ऑप्शन जो है ना बहुत दिमाग खराब करता है एंड अभी मोबाइल से खेलने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, अभी तक हाथ सेट नहीं हुआ है, तो काफी बार यार मैं बंदों से कूद भी रहा हूँ। ताकि इसको आने दो अपने पीछे एंड यहाँ पे बचाऊंगा भाई, भाग गया ये वापिस। तो चलो चलते हैं फटाफट से इसके पीछे पीछे एंड इसको मारने का ट्राई करते हैं। तो आई थिंक गाइस इसका हेल्थ जो है ना काफी ज्यादा कम हो गया होगा एंड मुझे लगता है अब ये मर जाएगा, दो तीन मैग और लगेंगे एंड डेफिनेटली ये खत्म। तो ओके गाइस यहाँ पे जो है ना म्यूटेंट को हम लोगों ने मार दिया है, फटाफट से देखते हैं यार इससे अपने को क्या मिलता है। कभी कभार इससे भी अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट मिल जाता है, बट आज यार अपनी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट मिले, बट जो भी मिला ठीक है, एक पर्पल कार्ड मिल चुका है एटलीस्ट, उससे हम लोग दो पर्पल रूम कर लेंगे। तो अभी जो है ना हम लोग चलते हैं, वैसे मुझे लगता है एटलीस्ट एक बार ही जो है ना अपने को पर्पल रूम चेकआउट करके आना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता अपने को मिलेगा। उसके बाद जो है ना मैं फटाफट से पहुंचा मिलिट्री एंड देखते गाइस यहां अपने को क्या मिलता है।
तो ओके पर्पल रूम उजी एंड हैंडमेड M4 हैंडमेड एडवांस टूल क्या मिलेगा ओके सो गाइज यहाँ पे भी अपने को जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट मिल चुका है एंड अभी जो है ना लगभग अपने में 4 से 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हो चुके हैं एंड 2-3 लॉन्चर्स भी हैं। अगर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट चाहिए होगा तो हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट का जो है ना रेसिपी लर्न करेंगे एंड उसके बाद अपने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट का बिल्कुल भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अभी जो है ना गाइज हम लोग फटाफट से चलते हैं सीधा अपने बेस में। बट उससे पहले जो है ना मैं आपको आज एक ट्रिक बताने वाला हूँ एवेंजर मारने की, काफ़ी गजब की ट्रिक है। जिन्होंने भी कल की वीडियोस नहीं देखी उसमें भी हम लोगों ने मारा था, बट आज जो मैं आया एंड यहाँ पे जो है ना अपने को दोबारा से एवेंजर दिखा, मैंने सोचा चलो जिन भाई लोगों ने कल नहीं देखा तो आज जो है ना मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले हम लोग जो है ना यहाँ पे करते हैं पर्पल रूम ब्लू रूम उजी है उठा लेता हूँ, डिसमेंटल करूँगा, एटलीस्ट अपने को स्टील तो मिलेगा। पर्पल कार्ड ओके मेरे बैकपैक में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे करता हूँ ये जो खाना है ना इसको ड्रॉप करता हूँ उठाता हूँ, इससे तो अपने को कुछ खास मिलता नहीं। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने सारे का सारा लूट उठाया एंड अभी जो है ना अपने को सबसे पहले यहाँ पे एवेंजर देखना है, एवेंजर कहाँ पे होगा तो चलो चलते हैं फटाफट से। एंड आपको पता होगा जो हम लोगों ने फेक वन क्लू का बेस रेड मारा था ना उसके बाद जो है ना वो भाई का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो भैया वो बंदा तो जो है ना अपने को इतना गंदा गंदा बोल रहा था ना आप क्या बोल सकते हैं। एंड लिटरली गाइस वो बंदा जो है ना काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों से स्कैम वगैरह कर रहा है एंड उस सर्वर में जो है ना इसने इतने बंदों से स्कैम किया अब मैं क्या ही बताऊँ। एंड अभी जो है ना गाइस यहाँ पर हम लोग घूम ही रहे थे बट मेरे को यहाँ पर एवेंजर दिखा तो सही, तो चलो यार एवेंजर को ग्लिच करने का ट्राई करते हैं। तो मुझे जाना है जो एवेंजर के पास एंड जैसे ही अपने को मारने लगेगा ना उसके बाद हम लोग इसको ग्लिच करने का ट्राई करेंगे। ओके गाइज अभी ये घोड़े को मार रहा है तो अपन लोग ऐसे करेंगे ना यहाँ पे रोकते हैं, मे बी अपने घोड़े में फायर कर रहा होगा, अगर घोड़े में फायर करेगा तो अपन लोग ईजिली उसके पीछे जाके उसको मार देंगे। तो देखता हूँ मैं बाहर निकल के ये घोड़ा एवेंजर जो है ना किसको मार रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है एवेंजर जो है ना घोड़े को मार रहा है। तो चलिए गाइस फटाफट से हम लोग चलते हैं एवेंजर को बजाते हैं, भाई आराम से जाना है। तो ठीक है गाइस यहाँ पे हम लोग इसको मारना स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी देखते हैं कितने देर में यहाँ पे एवेंजर मरेगा। आजा भाई मेरे घोड़े को तो नहीं लग रही है ना, ओके अभी हेल्थ तो घोड़े का फुल एकदम। ओके गाइज यहाँ पे हम लोगों ने घोड़े को एवेंजर को मार दिया है एंड इस बारी जो है ना एवेंजर से अपने को इतना ज़्यादा बुलेट मिला कि इतना मेरे को कभी एवेंजर से बुलेट्स मिला नहीं है, गन्स वगैरह मिला नहीं है। तो मैंने फटाफट से सारे का सारा लूट उठाया एंड यहाँ पे गाइज अपने साथ एक ऐसा सीन हुआ ना, तो जैसे मैं लूट वगैरह उठा रहा था मेरे पास जितने भी थोड़े थोड़े मास्क बचे हुए थे अपने सारे के सारे मास्क टूट चुके हैं एंड अभी जो है ना अपने को यहाँ पे से भागना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी अपना रेडिएशन लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका था कि यहाँ पे मेरे को जितने भी मेडिकेट मेरे बैकपैक में थी वो सारी के सारी यूज़ करना पड़ी। तो मैंने कहा यार घोड़ा आ जाएगा यहाँ पे अपने पीछे, बट घोड़े को मैं रिकॉल कर रहा हूँ घोड़ा आने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने कहा यार अगर घोड़े को लेने जब तक मैं जाऊँगा रेडिएशन ऑलरेडी अपना उतना हो जाएगा, ऐसे करते ना अभी यहाँ पे हम लोग भागने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने घोड़े को बुलाया नहीं, ट्राई काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ। ओके गाइस यहाँ पे आया एंड अभी घोड़े में बैठते हैं एंड फटाफट से जो है ना यहाँ पे से निकलते हैं। तो भाई निकलो फटाफट से बाहर। ओके गाइस उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा अभी जो है ना अपने को थोड़ा सा टाइटेनियम फार्म करना है, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइटेनियम नहीं है एंड अपने सर्वर में लगभग कितने घंटे बचे हुए हैं 182। तो आज से जो है ना मैं थोड़ा सा टाइटेनियम वगैरह भी फार्म करने लगूंगा, एटलीस्ट अगर एक दिन मैं 500 के करीब टाइटेनियम फार्म करता हूँ तो 4 से 5 दिन है मेरे पास, तो अराउंड 2500 से 3000 टाइटेनियम तो ईजिली हो जाएगा। तो चलो यार फटाफट से मैं टाइटेनियम एंड टाइटेनियम के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा सल्फर वगैरह भी फार्म कर लेंगे कि एटलीस्ट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बेसेस वगैरह रेड कर सकें। तो मैं जो है ना अपने उससे जो है ना ओनली टाइटेनियम रखता हूँ एंड सल्फर और कुछ नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम लोग सब चीज़ रखेंगे ना तो अपना दिमाग कभी स्टोन्स में जाएगा, कभी आयरन में जाएगा, कभी
एनर्जी माइंस में जाएगा तो अपने को जो है ना ओनली फोकस करना है सल्फर एंड टाइटेनियम। तो उसके बाद यार मैं यहाँ पे फार्म वगैरह कर रहा था तो मुझे लगा कोई अपना बेस वगैरह रेड करने लगा था। जब मैं फार्मिंग कर रहा था मैंने कहा यार एक दो डोर तो तोड़ेंगे, बट उसके बाद जो है ना गाइस एक एक करके अपना सब चीज़ टूटने लगा। तो मैं जहाँ पे था वहाँ से जो है ना गाइस मैंने डायरेक्ट मारा सेल्फ एंड मैंने अपना बेस देखा भाई, बेस जो है ना पूरे का पूरा साफ, लिटरली गाइस पूरे का पूरा बेस साफ कर दिया था। मतलब इवन बंदों ने अपना डीरिफाइनर एक भी बॉक्सेस वगैरह छोड़े नहीं। एंड देखो यार मैंने किस तरीके से अपने बेस बचाया वो मुझे ही पता था, बट बाद में वो भाई बोलने लगे कि भाई यार हम लोग मजाक कर रहे थे क्योंकि हम लोग सर्वर वगैरह रिलीव कर रहे थे एंड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब्स था तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार वन क्लू भाई का बेस वगैरह रेड करते हैं। मुझे नहीं पता ये रियल था या फिर उन्होंने अपनी तरफ से बनाया था, बट यार बहुत बुरी तरीके से मेरा बेस रेड हुआ है। अभी तक का सबसे बुरी हालत हुई थी मेरे बेस में। तो मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टाइटेनियम वगैरह फार्म कर रहा था एंड देखो बहुत गजब सीन हुआ था। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने करीब आधे एक घंटे करीब फार्मिंग कर रहे थे एंड उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के पास में था तो यहाँ पे देखा मैंने क्या ही गजब सीन था। बट मैंने उस टाइम मारा बंदों को रिकॉर्ड नहीं किया एंड सबसे पहले तो मैंने जो है ना यहाँ पे अपने दूसरे अकाउंट से ऑनलाइन आया, थोड़ा सा अपना बेस वगैरह रिपेयर किया एंड जिस अकाउंट से मैं फार्म कर रहा था तो मैंने जितना भी मैंने फार्म वगैरह किया था वो मैंने बॉक्सेस में रखा। एंड अभी जो है ना गाइस अपन लोग उन बंदों को मारने का ट्राई करते हैं। चलो निकले बाहर, बट मुझे अभी बंदे को लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता एंड एक बंदा मेरे को यहाँ पे दिखा, इसको मारता हूँ। भाई एमो कनेक्ट नहीं हुई इससे, गया एक बंदा तो गया, पूरा फिनिश करता हूँ। एंड इस बंदे से जो है ना अपने को गन तो काफ़ी ज़्यादा मिला बट लिटरली गाइस एक से भी जो है ना बॉम्ब्स वगैरह नहीं मिले। तो मैंने यहाँ पे जो है ना इस बंदे को मारा, उसके बाद मैंने डिसाइड करा ऊपर चढ़ के देखता हूँ एंड ऊपर से भी जो है ना मेरा बेस पूरे का पूरा क्लियर। तो फटाफट से मैं ऊपर गया, ऊपर जो है ना एक ऑटा कैनन रखा हुआ था, मैंने कहा कहीं ये बंदे जो है ना अपना कैबिनेट वाला एरिया ना तोड़ दे जो कि टाइटेनियम में। तो मैंने फटाफट से अपनी ऑटा कैनन वगैरह बाहर निकाली एंड अभी जो है ना मैंने कहा चल थोड़ा सा मैं यहाँ पर बैठता हूँ एंड अपने दूसरे वाले फ़ोन से ऑनलाइन आके बेस वगैरह रिपेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ देर बैठा हुआ था एंड अभी आप लोग देखो अपना बेस का क्या ही बुरा हाल करके रखा हुआ है। मेरे को फुट स्टेप्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली बंदा है यहाँ पे। तो चलो यार चलते हैं उसको मारने का ट्राई करेंगे। आई थिंक ऑटो कैनन हिट हुआ उसमें तो डेफिनेटली थोड़ा सा डैमेज वगैरह तो दिया होगा। तो चलो मार के आता हूँ, ये रहा बंदा, एक दो बुलेट लिखी एंड कहानी ख़त्म। लगता है बंदे के पास कोई भी गन्स वगैरह नहीं थी क्योंकि जब मैंने इनके पहले बंदे को मारा तो अपने को अराउंड 7 से 8 ARs मिली जो कि उनके बैकपैक में थी एंड मैंने जो है ना सारी की सारी AR उठाई सीधा अपने बेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं कुछ देर AFK बैठने के बाद बेस वगैरह थोड़ा सा मैंने रिपेयर वगैरह करा एंड अभी भी जो है ना गाइस अपने बेस में बॉम्ब्स वगैरह लग रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। एंड यहाँ पे एक काफ़ी गजब सीन था, अपनी गन्स कोई भी रिलोड नहीं थी तो यहाँ पे मैंने एक दो बुलेट्स मारी एंड देखा मैंने मेरी गन्स में जो है ना बुलेट्स ही नहीं है। अगर बंदे के पास यहाँ पे AR रहता तो डेफिनेटली गाइस मेरे को मार देते, बट यार यहाँ पे बॉम्ब्स इतने गंदे पड़ रहे हैं ना क्या ही बताऊँ। मतलब यार मेरे पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बुलेट्स वगैरह लिया क्योंकि मेरे पास बुलेट्स वगैरह नहीं था तो मैंने फटाफट से अपनी M762 लर्न किया। तो मुझे पता है ये बंदे दोबारा से आएंगे तो मैंने डिसाइड करा चलो यार यहाँ पे जो है ना सबसे मैं पहले मैं रिपेयर करता हूँ अपनी वॉल को, बट मेरे पास यार आयरन वगैरह नहीं है तो मैं फटाफट से दूसरे अकाउंट से आके वो रिपेयर करता हूँ। बट बंदे के बैक पैक लगे होंगे तो आएगा ज़रूर। तो बाहर चलता हूँ देखता हूँ कहाँ पे से आएगा भाई, अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा। एक ऑटो कैनन मैंने यहाँ पे रखा था एंड देखो वो भाई लोगों ने जो है ना ऑटो कैनन भी उड़ा दिया। तो मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर से मारने का ट्राई करेंगे। मतलब एक टेक्निक होती है ना गाइस जब हम लोग भी किसी का बेस वगैरह रेड करते थे ग्लोबल में तो अपन लोग भी जो है ना बंदे का हर एक बॉक्स तोड़ देते थे। अगर बंदा गलती से ऑनलाइन आएगा तो उसे कहीं से भी गन्स वगैरह नहीं मिलेगा एंड हम लोग उसको ईजिली मार पाएंगे। तो थोड़ा सा थिंकिंग मेरे को कुछ इस तरीके का लगा, बट कोई नहीं गाइस चलता है। तो मेरे को दोबारा से फुट स्टेप्स वगैरह आए, ये रहा भाई ने शॉटगन पकड़ी हुई थी अपने पास में।
अगर मैं मारता नहीं तो डेफिनेटली मेरे को शॉटगन से भचका देते। तो यार अभी मेरे को अपना बेस वगैरह रिपेयर करना पड़ेगा यार, बहुत गलत सीन हुआ। मतलब डीप रिफाइनर हर एक चीज जो है ना यहाँ पे फोड़ दी गई अपना। बट एक चीज तो बढ़िया हुआ यार, अपने को यहाँ पे जो है ना टाइटेनियम की लैग मिल चुकी है। टाइटेनियम की हेड मेरे को यहाँ पे फेक वन किलो से मिला था, एंड टाइटेनियम की चेस्ट मेरे को एक बंदे से मिली थी। लैग जो है ना मेरे को यहाँ पे रूम से मिल गया था। तो अपने पास यार टाइटेनियम का आर्मर भी हो चुका है, बट अभी तक मेरे को साइक्लोनाइट नहीं मिला। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली साइक्लोनाइट भी ढूंढने का ट्राई करेंगे। अगर साइक्लोनाइट एक बार ही मिल गया तो अराउंड 5 सेफ मेरे खुले हुए हैं, तो अराउंड 50 साइक्लोनाइट जो है ना बना के मैं अपने सेफ में डाल दूंगा। एंड उसके बाद यार टेंशन फ्री, बेस रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, एटलीस्ट हम लोग कुछ बेसिस वगैरह तो यहाँ पे रेड कर सकते हैं ना बाद में। तो यार यहाँ पे देखो क्या ही गजब सीन हो रखा है। मतलब यार बंदों ने जो है ना अपना स्टील वाला सेक्शन 2 बार पूरे का पूरा उड़ा दिया था। मतलब 2 बार ही उन्होंने अराउंड 60 से 70 C4 के करीब तो अपने 2x2 के सेक्शंस में लगाए हैं, एंड आयरन वाले सेक्शंस की भी हर एक जगह की वॉल जो है ना तोड़ी हुई थी। भाई रिपेयर करो फटाफट से। ओके गाइस अभी जो है ना मैं यहाँ पे डोर्स वगैरह रिपेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो है ना सबके सब हंस रहे थे, मैं तो बस ऐसे ही बोलने लगा, पता नहीं क्या बोल रहे, किसको गालियां दे रहे, कहाँ गालियां दे रहे हैं, लिटरली मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स आए हैं दोबारा से, वो बंदा आएगा जरूर बम लगाने के लिए। है किधर भाई, कहीं लेटा हुआ है, लेटने की आवाज आ रही है। Please turn on voice chat. कहीं को turn on voice chat, I don't know why. तो मेरे को लग रहा था definitely वो पानी की तरफ है। तो मैं जो है ना यहाँ पे से door open करके देखने लगा कि बंदा actually मैं कहाँ पे है, but वो बंदा मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं। तो मैंने फटाफट से door वगैरह close करा। यार अभी जो है ना बाहर निकलने में थोड़ा सा डर वगैरह लग रहा है। तो यहाँ पे जो है ना एक चिराग भाई बोल रहा है भाई मस्ती कर रहे थे। भाई मुझे नहीं पता मस्ती हो रही थी या फिर रियलिटी हो रही थी, बट मैंने एक चीज तो बोला भाई मस्ती भी कर रहे थे तो इतना बम वेस्ट कहीं को किया। मतलब वही है मेरी थिंकिंग होगी, अगर सर्वर छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट यार जो बम हम लोगों ने बनाए हैं एटलीस्ट उनको भपका के तो जाएं। तो लगता है वही थिंकिंग रही होगी इनके भाई में, भाई सर्वर छोड़ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट जो है ना वन किलो भाई का बेस ही उड़ा के चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे यार भाई बुलाने लगे थे फॉलो मी। तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था जाऊं या ना जाऊं, बट यार सब्सक्राइबर होता है ना एक थोड़ा सा दिल में ट्रस्ट भी बनता है। चलो यार चल के देखते हैं क्या होगा, धोखा ही तो मिलेगा और तो कुछ नहीं। तो फिर मैं ऐसे बोलने लगा साला पूरा बेस तोड़ दिया तुम मतलब मजाक कर रहा था, वो मजाक कर रहा था मैं। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं, एंड इन भाई से मैंने थोड़ा सा बात वगैरह किया, एंड हम लोगों ने प्लानिंग किया कि नेक्स्ट सर्वर जो है ना हम लोग इनके साथ खेलेंगे। मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा, बस थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि हर रोज़ दिन बेस भपकाते ही रहेंगे इन भाई के साथ। थोड़ा सा ये लोग करेंगे थोड़ा सा हम लोग करेंगे, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो बाय बाय गाइज, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। एंड यहाँ पे जो है ना इन भाई लोगों ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सामान दिया, 1400-1500 के करीब टाइटेनियम दिया, थोड़ा सा